दोस्तों, आज हम लोग जिस प्लान के रिगार्डिंग बात करेंगे उसका साइज है 26 फीट इंटू 30 फीट। ये 86 गज में बना हुआ है। इसका स्क्वायर फीट है 780 स्क्वायर फीट। इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 8 लाख पर यूनिट। फ्रंट साइड में रोड है। फ्रंट का डायमेंशन है 26 फीट, इस साइड का डायमेंशन 30 फीट, बैक का डायमेंशन 26 फीट और इस साइड का डायमेंशन 30 फीट है। दोस्तों, इस प्लान में सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के प्लान के डायमेंशन से। ये फ्रंट साइड में रोड है, यहाँ मेन गेट दिया हुआ है। एक मेन गेट स्टेयर होकर के ग्राउंड फ्लोर और अपर फ्लोर दोनों के लिए है और एक मेन गेट ग्राउंड फ्लोर के लिए डायरेक्ट यहाँ से दिया हुआ है। दोस्तों, हम लोग जब इस मेन गेट से इन करेंगे तो यहाँ सबसे पहले स्टेयर एरिया मिलेगा। इसका डायमेंशन है 10 फीट इंटू 11 फीट। इस साइड का डायमेंशन 10 फीट और इस साइड का डायमेंशन 11 फीट है। इस स्टेयर में दो विंडो दिए गए हैं, एक विंडो इस साइड में है और एक विंडो इस साइड में है। ये डोर है अंदर जाने के लिए। इस स्टेयर में यहाँ से अप होना स्टार्ट होंगे, यहाँ फर्स्ट लैंडिंग, इसके बाद और अप होकर के हम लोग सेकेंड लैंडिंग पे पहुँचेंगे, इसके बाद और अप होकर के हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे। हम लोग इस मेन गेट से इन करेंगे तो यहाँ गेस्ट रूम मिलेगा। इसका डायमेंशन है 10 फीट इंटू 10 फीट 4 इंच। इस साइड का डायमेंशन 10 फीट और इस साइड का डायमेंशन 10 फीट 4 इंच। इस गेस्ट रूम में एक विंडो यहां दिया गया है, ये डोर है अंदर जाने के लिए। इस गेस्ट रूम के साथ हमने यहां पे सेपरेट बाथरूम दिया है। ये इस गेस्ट रूम का सेपरेट बाथरूम है। इसका डायमेंशन है 10 फीट इंटू 3 फीट। इस साइड का डायमेंशन 10 फीट और इस साइड का डायमेंशन 3 फीट है। इस बाथरूम में यहाँ एक टॉयलेट सीट दिया हुआ है, यहाँ वॉश बेसिन दिया हुआ है और यहाँ पे शावर पैनल दिया हुआ है, एक वेंटिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे। ये डोर है इस बाथरूम का। हम लोग इस स्टेयर एरिया साइड से या फिर इस गेस्ट रूम साइड से, इस डोर से या फिर इस डोर से जब अंदर आएंगे तो यहाँ डाइनिंग स्पेस मिलेगा। इसका डायमेंशन है 8 फीट 4 इंच इंटू 13 फीट 4 इंच। इस साइड का डायमेंशन 8 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन 13 फीट 4 इंच है। इस डाइनिंग स्पेस में एक वॉश बेसिन यहाँ पे लगा हुआ है। इस डाइनिंग स्पेस के साथ हमने इस साइड में किचन दिया है। ये किचन है, इसका डायमेंशन है 8 फीट 4 इंच इंटू 6 फीट। इस साइड का डायमेंशन 8 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन 6 फीट है। इस किचन में एक विंडो यहाँ पे दिया हुआ है, ये किचन स्लैब है, ये डोर है इस किचन का। हमने इस डाइनिंग स्पेस के साथ यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया है। इसका डायमेंशन है 8 फीट 4 इंच इंटू 5 फीट। इस साइड का डायमेंशन 8 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन 5 फीट है। इस बाथरूम में यहाँ एक वेंटिलेशन दिया हुआ है और ये डोर है इस बाथरूम का। इस डाइनिंग स्पेस से हम लोग जब इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक बेडरूम दिया है, इसका डायमेंशन है 10 फीट इंटू 10 फीट। इस साइड का डायमेंशन 10 फीट और इस साइड का डायमेंशन भी 10 फीट है। इस बेडरूम में एक विंडो बैक साइड में दिया गया है और एक विंडो इस साइड में दिया गया है। ये डोर है इस बेडरूम का। दोस्तों, इस डाइनिंग स्पेस के साथ हमने इस साइड में एक पूजा रूम दिया हुआ है। इसका डायमेंशन है 8 फीट इंटू 4 फीट 4 इंच। इस साइड का डायमेंशन 8 फीट और इस साइड का डायमेंशन 4 फीट 4 इंच है। बैक साइड में एक विंडो दिया गया है, यहाँ पे डोर है, यहाँ भी छोटा सा स्पेस है 1 फीट 7 इंच का, यहाँ पे आप पर्दा डाल सकते हैं। इस डाइनिंग स्पेस के साथ हमने इस साइड में एक और बेडरूम दिया है, इसका डायमेंशन है 10 फीट इंटू 10 फीट। इस साइड का डायमेंशन 10 फीट और इस साइड का डायमेंशन भी 10 फीट है। बैक साइड में एक विंडो दिया गया है और इस साइड में भी एक विंडो दिया गया है। ये डोर है इस बेडरूम का। हम लोग वॉल की बात करें तो इस प्लान में सभी वॉल 5 इंच के दिए गए हैं, ये 5 इंच है। ये था ग्राउंड फ्लोर का प्लान। हम लोग फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर का जो डायमेंशन है वही सेम डायमेंशन फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक रहेगा। दोस्तों, 26 फीट इंटू 30 फीट में ये बहुत ही अच्छा प्लान है, जिसमें आपको मिलता है यहाँ पे सेपरेट स्टेयर, यहाँ गेस्ट रूम मिल जाता है, इस गेस्ट रूम के साथ यहाँ पे सेपरेट बाथरूम मिलता है, यहाँ डाइनिंग स्पेस मिलता है, यहाँ किचन मिलता है, यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम मिलता है, यहाँ एक बेडरूम मिलता है, यहाँ भी एक बेडरूम मिलता है और एक पूजा रूम भी मिल जाता है यहाँ पे। इस प्लान में टोटल आपको 3 रूम मिल गए, एक रूम यहाँ पे, एक रूम यहाँ पे और एक रूम यहाँ पे। एक पूजा रूम साथ में मिल गया, एक किचन मिल गया, 2 बाथरूम मिल गए आपको, एक कॉमन बाथरूम
और एक इस गेस्ट रूम के साथ सेपरेट बाथरूम। दोस्तों ये था हमारा 26 फीट इंटू 30 फीट का हाउस प्लान। उम्मीद है आपको ये प्लान भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।